अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज है मंडे का दिन और ये सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर बच्चों के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनाई थी, बच्चों ने वापस से वो चीज़ ऑमलेट की फरमाइश की तो मैंने वो बना लिया। आमना को नहीं खाना था तो मैंने रात में डोसे का आटा पीस के रखा था तो वो मेरे पास था, तो मैंने बस एक डोसा उसको बना के उसको खिला लिया। अच्छा, तो बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे क्योंकि बुरहानुद्दीन का 6 मंथ्स को एक बार आई चेकअप रहता है, तो आज उसका अपॉइंटमेंट था। और इंसिया भी कह रही थी कि उसको एक आंख से धुंधला दिख रहा है, पता नहीं सच कह रही है क्या क्या, क्योंकि उसके क्लास में बहुत सारे लड़कियां अच्छे अच्छे स्पेक्स पहन के आ रहे हैं करके मेरे को थोड़े दिन पहले बोली थी वो, तो मुझे लग रहा है बस वो चश्मे के चक्कर में वो आई चेकअप कराना चाहती हैं। बट फिर भी उसको भी एक बार दिखा लूँगी और बुरहानुद्दीन को भी हो जाएगा उसका भी चेकअप। तो अभी आई चेकअप को जाने से पहले मैंने सोचा कि कुछ लंच का थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाऊँ, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पर, फिर बच्चे भूखे हो जाएंगे घर आने तक। तो मैंने तंदूरी चिकन का मैरिनेट करके रखा था रात में, तो मैं उसको पकाने के लिए रख रही हूँ। मैं आज तंदूरी चिकन, हमोस और खुब्स बनाना सोच रही थी। काबुली चने भी मैंने रात में ही भिगा दिया, मैंने उसको भी बॉइलिंग पे रख दिया है। अच्छा, तो यहाँ खूब रोटी बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। इसके लिए 3/4 कप बॉइलिंग वाटर में 1/2 स्पून ईस्ट और 1/2 स्पून शुगर डाल के मिक्स करके 3-4 मिनट रख दूंगी ईस्ट एक्टिवेट होने तक। और 3-4 मिनट के बाद मैंने 2 कप मैदा इसमें ऐड करके थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लूँगी और फिर स्पून से ही इसको मिक्स करूँगी क्योंकि पानी अभी भी गर्म है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा स्पून से, फिर मैं इसको नीड कर लूँगी। अच्छा, तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और पानी भी अभी ठंडा हो गया है, तो मैं इसको हाथ से मिक्स करके इसको काउंटर पे डाल के अच्छे से गूंद लूँगी। मैदे का आटा कितने अच्छे से गूंदते हैं उतने ही अच्छे से बनेंगे रोटियाँ या जो भी हमको बनाना है, वरना वो स्टिकी स्टिकी सा रहेगा और वापस से वो श्रिंक होंगे। हम जितनी भी बड़ी रोटी बनाएं वो श्रिंक होती जाएगी। तो इसको अच्छे से नीट करके एक बॉल के जैसे बनाकर फिर मैं हाथ में थोड़ा तेल लेके उसको अच्छे से लगा के फिर रख दूंगी थोड़ी देर तक, जब तक वो डबल ना हो जाए साइज़ में। यूजुअली मैं इसको ओवन में रखती हूँ, बट अभी मुझे नहीं पता कि मुझे कितनी देर होगी वहाँ हॉस्पिटल में। ओवन में 1 घंटे में ही ये हो जाता है डबल साइज़ पे, बट मैं इसको काउंटर टॉप पे ही रख के जाऊँगी क्योंकि मुझे शायद 2-3 घंटे लग जाएंगे हॉस्पिटल में। तंदूरी चिकन भी अभी पक गया है। इस टाइम भी अगर हम इसको ऑफ़ कर दें तो ये ऑलमोस्ट कुक ही हो गया है, लेकिन मुझे और बच्चों को और सॉफ्ट पसंद है, तो मैं इसको फ्लिप करके और थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। फिर मैं और बच्चे रेडी हो गए हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। ये देखिए, इंसिया हिजाब पहनी है, उसके थोड़े दिन मूड रहता है हिजाब पहनने का, थोड़े दिन जीन्स पहनती है। अल्लाह आसान करे हमारे कौम की बेटियों के लिए और सबको हिजाब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम अच्छा है, बारिश नहीं है, तो मैं तीनों बच्चों को 2-व्हीलर पे लेके जा सकती हूँ। उनके पापा ने बोला था कि वो ऑफिस से डायरेक्ट हॉस्पिटल आएंगे, तो मैं ऑलमोस्ट निकल ही गई थी, फिर मुझे याद आया कि मैं तंदूरी का बंद ही नहीं करी गैस, तो मैं आकर ऑफ कर दी उसको। तो हम जैसे ही हॉस्पिटल को आए तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का चेकअप जल्दी हो गया था। बुरहानुद्दीन को डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा पावर उसका हाई हो गया है, तो उसका नंबर चेंज करके दिया उन्होंने। इंसिया का भी उन्होंने कहा कि थोड़ा पावर दिखा रहा है, हमको 1/2 आवर ड्रॉप्स डाल के वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वापस से वो लोग चेक करेंगे। तो डॉक्टर ने बोला अभी 1 घंटा तो लगेगा, तो मैंने बच्चों को उनके पापा के साथ बिठा कर, मैं और आमना थोड़ा बाहर आए थे स्नैक्स लेने के लिए बच्चों को, मैं कुछ लेके नहीं गई थी उनके खाने के लिए क्योंकि मुझे लगा फटाफट से चेकअप हो जाएगा। फिर हम ले स्नैक्स लेके गए, फिर इंसिया का चेकअप करके सब करके घर को आने तक बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को।
फिर जैसे ही घर आए मैं फटाफट हम उसको पीस ली, उसको रेडी करके, फिर ये चिकन मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा था, बस उसका पानी सुखाना था। ये खुब्स का आटा है, देखो माशाल्लाह से कितना अच्छा राइस हो गया था, बहुत अच्छे बहुत सॉफ्ट बने थे खुब्स, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और तो मैंने फटाफट सब बेल के उसको सेक लिया था। ये जो लंच है बहुत लाइट होता है, तो कितना भी खुब्स खाए वो बस नहीं आता, तो मैंने एक 10-12 बेल लिया जल्दी जल्दी, और फिर सारे ही फूल रहे थे, बहुत अच्छे बन रहे थे। तो मैं एक साइड खुब्स बना रही थी और एक साइड इसको रोस्ट करने के लिए रख दी, फिर फटाफट से हो गया था, मैंने जल्दी जल्दी हाथ चलाए, फिर लास्ट में इस पर उसी का ऑयल थोड़ा ड्रिजल कर लिया, वरना वो बहुत ही सूखे सूखे हो जाएंगे। और फिर जो मसाला बच गया था कढ़ाई में, मैंने वो भी निकाल लिया, बच्चों को ये बहुत पसंद है मसाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बैठ के फिर अच्छे से हमारा लंच एंजॉय कर रहे थे। आमना बिल्कुल खा नहीं रही थी, तो मुर्तजा ने बोला कि पहले तुम खा लो फिर उसको आराम से खिलाओ, क्योंकि बहुत लेट हो गया, मुझे भी भूख लग रही थी। तो हम सब मिल के खाने को बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया आज बच्चों ने। वैसे भी मैं मंडे को कुछ स्पेशली बनाती हूँ, क्योंकि सबको मंडे ब्लूज़ होते ही हैं, स्पेशली बच्चों को वीकेंड के बाद स्कूल जाना बोले तो बहुत उनको कंटाल आता है। तो मैं बुरहानदीन जब छोटा था तब से ही मंडे को कुछ डेजर्ट बना लेती हूँ, या फिर खाने के लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ। फिर बच्चे जैसे ही खाना खाए वो ट्यूशन के लिए चले गए थे, क्योंकि उनका ट्यूशन टाइम हो रहा था, तो खाना खाकर फटाफट वो निकल गए ट्यूशन के लिए। फिर आमना कुछ कुकीज़ लेकर आई थी, तो मुझे बोल रही थी ओपन करके दो, मैं उसको बोली थोड़ी देर सो जाओ, लेकिन उसको सोना नहीं था, बस मस्ती कर रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, आमना बस ऐसे ही खेल रही थी, थोड़ा टैब देख रही थी। मैंने एक आधा एक घंटा रेस्ट करके फिर मैं किचन को आके उसकी हालत देखी, तो मुझे चक्कर ही आने लगे उसकी हालत देखकर, क्योंकि सुबह में भी इतने जल्दी में मैं चली गई थी तो मुझे क्लीन करने को टाइम नहीं मिला, दोपहर में भी लंच इतना फटाफट बनाई तो बिल्कुल भी क्लीन करने को नहीं हुआ। तो मैं सोची कि मैं पहले कप कॉफ़ी पी लेती हूँ तो एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि हॉल की भी यही हालत हो पड़ी थी, तो मैं सोची मैं कॉफ़ी पी के फिर आराम से हॉल और किचन क्लीन कर लूँगी। फिर मैंने कॉफ़ी पी के फटाफट से हॉल क्लीन कर लिया, पता नहीं आज मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, बट फिर भी मैंने क्लीन कर लिया और फिर रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दी। मैंने सोचा बखूर लगाऊं, लेकिन मुझे सच में आज बहुत ही मेरा एनर्जी ड्रेन हो गया था, तो मैंने बस रूम फ्रेशनर मार दिया सब जगह। आमना वापस से बोर हो रही थी, मेरे को इतना सता रही थी, मुझे कह रही थी मेरे साथ खेलो, तो मैंने बोला उसको आज प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मत सताओ, तुम अकेले ही खेलने लगो, तो इतना गुस्सा आ रहा था उस। फिर मैं हॉल क्लीन करके किचन में आ गई किचन क्लीन करने को, तो मैंने काबुली चने जो बॉईल करके रखे थे, आधा काबुली चने का मैंने हुमस बना लिया था, ये आधे मैंने जिप लॉक में बंद करके उसको फ्रीज़र में रख दूंगी, देखूंगी मैं वापस से हुमस बनाऊंगी या फिर सोच रही हूँ छोले भटूरे बनाऊँ, देखूंगी क्या बनाऊंगी आगे। तो मैंने किचन भी फटाफट क्लीन कर लिया, मैंने बस उसको पानी से वाइप किया है, क्योंकि मुझे और भी बच्चों का भी टिफ़िन का और डिनर सब बनाना है। तो मैं वो करते करते फिर हॉल में आ गई थी सूर्य मुल्क लगाने के लिए, बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, मैं उनको कह रही थी कि जाकर अपने बुक्स वुक्स रख लो, फिर मैं अभी उनको डिनर भी दे दूँगी, वही खाएँगे बच्चे, हुमस खुब्स और चिकन थोड़ा सा है, तो वही सब खा कर फिर वो अभी सो जाएँगे थोड़ी देर में। ये बच्चों के दो कबर्ड्स है, वो अपने बुक्स यहीं पर रखते हैं, एवरी संडे को क्लीन करते हैं, बट ये संडे उनको टाइम ही नहीं मिला क्लीन करने के लिए। और ये ऊपर वो लोग यूनिफॉर्म्स रखते हैं अपने, इतना कचरा हो गया है ऊपर, मुझे क्लीन करना था बट मुझे भी टाइम नहीं मिला, तो अभी मुझे नेक्स्ट वीक ही क्लीन करना पड़ेगा उसको। मैं बाहर बैठ के बच्चों को इतना आवाज़ लगा रही हूँ आके सो जाओ टाइम हो गया, बट आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं अभी रात में क्लीनिंग लेकर बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। मैं जाके देखी क्या कर रहे हैं, तो फिर सब अपने आर्ट सप्लाइज निकाल के देख के खुश हो रहे हैं, कप कप के तो संभाल के रखे हैं, मुझको इतना गुस्सा आ रहा था। मैं चिल्ला रही थी उनको कि सुबह में ट्यूशन है जाना है तुम लोगों को, फिर भी सुन ही नहीं रहे थे।
फिर जैसे ही सोने का टाइम हो गया, आमना का रोना स्टार्ट हो गया कि मुझे कल स्कूल नहीं जाना है। फिर उसके पापा उसको इतना मना रहे थे, लेकिन उसको जाना ही नहीं था स्कूल। मुझे बोल रही थी कि तुम वहाँ पर बैठो, तुम मेरे को आके खाना खिलाओ स्कूल में। तो मैं सबको हाँ हाँ बोल के फिर उसको सोने को भेज दी। मैं आज बहुत टायर्ड हो गई थी, मैं बस वेट कर रही थी कि बच्चे कब सो जाएंगे तो फिर मैं भी आराम से सो जाऊं, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं सोते मुझे नींद ही नहीं आती है। पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं सोने के बाद वो नहीं सोएंगे, कुछ ना कुछ मस्ती करेंगे। तो मैं उनको कह रही थी कि प्लीज़ सो जाओ ताकि मैं भी सो जाऊँगी आराम से करके। अच्छा, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।